सोलर एनर्जी के साथ दो सबसे बड़े चैलेंजेस, एक कि वो सिर्फ डेटा में रहती है, दूसरा जो हमारे पैनल्स हैं उनको क्लीन करने का। दोनों के सॉल्यूशन है और क्या है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर इज सोलर में। जैसा कि मैंने आपसे बात करी कि दो चैलेंजेस में से एक है हमारा स्टोरेज का, यानी कि जो हम सोलर की एनर्जी हमें मिलती है वो दिन में मिलती है और वो रात में हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, और दूसरा है क्लीनिंग का। तो पहले बात करते हैं हम स्टोरेज की। दो हमारे पास सॉल्यूशन है, एक तो इंडिविजुअल लेवल पे कि हाँ भाई हम अपने घर में ऑफ ग्रिड लगवा लें या फिर हाइब्रिड लगवा लें तो हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा जो सॉल्यूशन है कॉस्टली होता है। तो इसका सॉल्यूशन अगर गवर्नमेंट के लेवल पे हो या फिर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं कंपनीज के लेवल पे होगा तो जो उसका कॉस्ट है वो भी कम आएगा और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो गवर्नमेंट के पास में अवेलेबल होंगी वो मिलेंगे, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट में हर कोई हाथ लगाना चाहता, छोटे प्रोजेक्ट के ऊपर कोई काम नहीं करना चाहता। छोटे प्रोजेक्ट के ऊपर छोटी छोटी कंपनियां काम करेंगी और छोटी कंपनियों के पास ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी के लिए ऑफर करने के लिए कुछ नहीं होता, जो चला आ रहा होता है वही देती हैं। तो इसी में अभी एक दिल्ली में, यानी कि ना केवल दिल्ली में बल्कि इंडिया में साउथ ईस्ट एशिया में एक 10 मेगावाट का अपना बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाया गया है, वो टाटा पावर ने लगाया है। उसका ये है कि जितने भी दिन में हमारा जो एनर्जी जनरेट होगी, जो एक्सेस आ रही है उसको वो बैटरी में स्टोर करेगा और पीक लोड को मैनेज करने में ईजी होगा, और उसके अलावा जो नेटवर्क की स्टेबिलिटी है वो मेंटेन होगी। तो ये 10 मेगावाट का जो अभी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाया गया है ये टाटा पावर ने लगाया है दिल्ली में। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर दो जो है ये सबके लिए कॉमन है, और हर एक जगह का नाम एक माइक्रो क्लाइमेट होता है। हर 100 मीटर पे एक किलोमीटर पे या फिर आप कह सकते हैं कि जो वहाँ का जो चैलेंजेस हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो उसका कईयों को हमको मिलेगा बर्ड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम है, कहीं पे हमको मंकी की प्रॉब्लम मिलेगी, कहीं पे हमको डस्ट की प्रॉब्लम मिलेगी, कहीं पर हमको जो ये एनवायरमेंटल जो अदर फैक्टर्स हैं जैसे कि कोई इंडस्ट्री एरिया में लगा हुआ है तो वहाँ लगेगी, कोई अगर किसी नए डेवलपिंग एरिया में लगा रखा है जहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ की अलग प्रॉब्लम रहेगी। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है, ये जो क्लीनिनेस की है, ये दूसरा बड़ा चैलेंज है। और इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो हमारा जो डस्ट का जो लेयर है, अगर मान लीजिए कोई सोलर पैनल पे डस्ट की लेयर जमती है तो वो यूनिफॉर्म जमती है, ऐसा नहीं होता कि ऊपर ज़्यादा जमेगी नीचे कम जमेगी, वो यूनिफॉर्म जमेगी। उसमें क्या होगा, हमारा जो जनरेशन है वो नीचे जाएगा लेकिन हमारे पैनल्स जो हैं वो सेफ रहेंगे, उनमें हमारा हॉटस्पॉट नहीं बनेगा। और दूसरा जो हमारा हॉटस्पॉट से जो हमारा जो फिजिकल डैमेज है हमारा सोलर पैनल का वो नहीं होगा। उसमें हमको कुछ नहीं करना, सिंपल सा अपना पानी डालना है या फिर अपने गीले कपड़े के साथ में उसको साफ करना, हमारा साफ हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं बर्ड ड्रॉपिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खासकर सिर्फ रेजिडेंशियल एरियाज में, ये कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं है, क्योंकि जो पक्षी भी वहाँ रहते हैं जहाँ पर उनको फीडिंग के लिए अपना दाना आराम से मिल जाए, वो मिलेगा जहाँ पर इंसानी बस्ती है, जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन है वहाँ मिलेगा। इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, क्योंकि वो उनके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। अगर वहीं पर अगर कोई बहुत बड़ा प्लांट है, मान लीजिए कि 1 गीगावाट का या फिर जो हमारा 700 किलोवाट का है, तो उसमें किसी बड़े प्लांट के लिए, तो उसमें अगर ये बर्ड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आएगी तो उस पर कंपनियाँ काम करेंगी। लेकिन अगर बर्ड जब छोटे लेवल पर आएंगी, जब 50 किलोवाट है रेजिडेंशियल एरिया में, तो वहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ वो नहीं आएंगी, उसमें हमको ये कुछ अपने उपाय निकालने पड़ेंगे। तो इसी उपाय मेरा है वो है ऑटोमेटिक बर्ड रिपेलर। इससे पहले मैं इसके 3 वीडियो डाल चुका हूँ, एक में मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो किस तरीके से काम करता है, दूसरे मैंने बताया है कि हाँ भाई इसको आपको 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 अगर बनाना है तो आप खुद भी बना सकते हैं, और तीसरे में मैंने आपको उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो बताए हैं। तीनों के तीनों जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं, और ये जो आई के बटन आ रहे हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो 3 वीडियो हैं इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जो ऑटोमेटिक बर्ड रिपेलर है वो किस तरीके से काम करता है। ना केवल बर्ड्स के लिए ही काम करेगा बल्कि जो मंकीज आते हैं या फिर जो लंगूर आते हैं पैनल्स के ऊपर बैठने के लिए, वो बैठते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा पैनल का जनरेशन बिल्कुल ही ड्रॉप कर जाता है, क्योंकि एक तो होती है हमारी सॉफ्ट शेडो होती है, दूसरी हमारी हार्ड शेडो होती है। सॉफ्ट शेडो का मतलब ये है कि हाँ भाई हमारे पैनल्स के ऊपर उसके 1 या 2 मीटर दूर से कोई चीज़ पड़ी लेकिन वो शॉर्ट शेडो कहलाएगी, क्योंकि बाकी जगह से जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो उस एरिया पे पड़ेगा और वो हमारा पैनल थोड़ा बहुत जनरेशन करता रहेगा। लेकिन जो हमारा
ये हार्ड शेडो क्या होता है, मान लीजिए पैनल है, पैनल के ऊपर आके कोई बैठ गया तो उसका जो जितने एरिया में वो बैठा है वो वहां पे एक तरीके से ब्लैक स्पॉट है, और वो ब्लैक स्पॉट पूरे पैनल को इम्पैक्ट करेगा और हमारा जनरेशन नीचे आ जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा जनरेशन। और इसका जो बचने का तरीका क्या है कि जो मैंने आपको ऑटोमेटिक बल्ब रिपेलर बताया उसमें आप ये दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको पक्षी भगाने के लिए भी कर सकते हैं, आप इसको जो बंदर है उसको भगाने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर कोई और अगर लंगूर वगैरह किसी तरह के कोई किसी एरिया में आते हैं तो उसको भगाने के लिए भी कर सकते हैं। इसमें जिस तरीके से मैंने आप वीडियो में देखेंगे एक मैंने बेल लगाई, वो बेल काफ़ी तेज़ आवाज़ करती है, और उस आवाज़ से क्या फ़ायदा होता है कि जो हमारे पक्षी हैं, जो पक्षी में मेनली जो हमारा है कबूतर, वो तेज़ आवाज़ से डरते हैं। अगर आप उनके सामने वो रख देंगे, कोई स्केयर करो रख देंगे, या फिर कोई डिस्क लगा देंगे, या फिर कोई प्रोडक्ट चमकती हुई टेप लगा देंगे, तो वो हो सकता है एक या दो दिन काम करेगा लेकिन बाकी दिन वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उनको आदत पड़ जाएगी, क्योंकि कबूतर हमारे बीच ही रहते हैं या फिर जो पक्षी हमारे बीच ही रहते हैं उनको भी पता है कि हमको किससे खतरा है किससे खतरा नहीं है। आपने भी देखा होगा दिवाली के समय पे जब बम फटते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कबूतर हैं वो भागते हैं, वो उड़ते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ आवाज़ से डर लगता है, बाकी चीज़ें तो वो यूज टू हो जाते हैं, आवाज़ के वो यूज टू नहीं होते। और जो ये ऑटोमेटिक बल्ब रिपेयर मैंने आपको बताया है इसके आगे एक माइक्रो सेंसर लगा हुआ है, बाकी डिटेल तो आप वीडियो में देख सकते हैं। जो अपना जो माइक्रो सेंसर है वो क्या करता है, सेंस करता है, और सेंस करने के बाद में आवाज़ करता है, और उस आवाज़ से हमारे जो पक्षी हैं वो भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं। इससे हमारे दो फायदे हैं, एक तो जो हमारा जनरेशन है वो बहुत बढ़ेगा, जनरेशन कैसे बढ़ेगा वो मैंने वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा है कि जो डस्ट को क्लीन करना आसान रहता है, डस्ट में तो आप कुछ नहीं करेंगे, एक आपने गीला कपड़ा लिया या पानी डाला थोड़ा ऊपर से, फिर गीला कपड़ा साफ कर दिया वो साफ हो जाएगा। लेकिन जहां पर बात करते हैं जो बर्ड ड्रॉपिंग की, बर्ड ड्रॉपिंग एक क्लीन करना उसको बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि बर्ड ड्रॉपिंग होने के बाद में जब सूख जाती है फिर उसको निकालना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और कहीं उसमें कई लोग क्या करते हैं, स्क्रब यूज कर लेते हैं, उससे हमारे जो पैनल के ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं, फिर उसमें हमारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर यही रेगुलर चलेगा तो उसमें माइक्रो क्रैक्स आ जाएंगे, और जो हमारी मॉइस्चर है वो हमारे सेल्स तक पहुंच जाएगा, और फिर हमारा जो पैनल है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। बर्ड ड्रॉपिंग से न केवल हमारा जो जनरेशन है वो कम होता है, बल्कि हमारे जो पैनल्स पे हॉटस्पॉट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रह जाते हैं। जैसे कि आप इस क्लिप में देख पा रहे हैं कि जो हॉटस्पॉट जहाँ पर हैं वहाँ पर जो हमारे सोलर का टेम्परेचर है, सोलर पैनल का टेम्परेचर है, वो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 10 डिग्री 15 डिग्री ज़्यादा है। अब उसका अगर वो परमानेंट रह गया, अगर वो 4-5 दिन के अंदर या फिर एक हफ्ते के अंदर साफ नहीं करा गया, तो वो डिपेंड करेगा कि आपका जो उस जगह पे टेम्परेचर की वजह से हमारा उस पैनल जल जाएगा और वो हमारा हॉटस्पॉट कहलाएगा। अब जो ये हॉटस्पॉट है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो हम उसको कितने जल्दी साफ करते हैं, और दूसरा कि अगर हमारे पैनल अगर किसी लोअर ग्रेड की है, और अगर हमारा जो अच्छा मैन्युफैक्चरर नहीं है उसके जो हमारी क्वालिटी है ख़राब है, तो हमारा हॉटस्पॉट बहुत जल्दी आएगा। इसीलिए आप कभी भी बिल्कुल ही लोकल पैनल के ऊपर आप ना जाएं, क्योंकि सारे के सारे ये कुछ नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग इनकी किसी की नहीं है, ये चाइना से इंपोर्ट करते हैं, चाइना से भी इंपोर्ट करने का तरीका इनका जो रूट है वो ये रहता है कि पहले बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश से फिर ये इंडिया आता है, इंडिया में फिर ये अपने उसके ऊपर ठप्पे लगाते हैं लोकल कंपनी के नाम के, और इनकी क्वालिटी बिल्कुल थर्ड क्लास होती है। इनकी क्वालिटी के ऊपर आप बिल्कुल मत जाएं। अगर आप वो सोलर पैनल ले लेंगे तो आपके जो हॉटस्पॉट्स हैं वो विद इन आपको 1-2 मंथ्स आपके आ जाएंगे, और फिर आप पछताते रह जाएंगे। तो जो मैंने आपको बताया है कि जो ये जो है 21 पैनल्स, इनमें से कोई भी आप पैनल खरीद सकते हैं आँख बंद करके, लेकिन इनके अलावा अगर आप कोई खरीद रहे हैं तो पूरा रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि इनके ऊपर तो मैंने पूरा रिसर्च करा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भी इन 21 के अलावा कोई अलग पैनल आपको खरीदना है, तो वो आपको देखना है कि वो पैनल सच में चलेगा 25 साल तक आपकी। अगर वो नहीं चल पाया और आपके लगाने के बाद वो दिक्कत आ रही है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो बोलेगा हॉटस्पॉट आया है, हॉटस्पॉट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपने पैनल को साफ नहीं रखा। तो इसीलिए जो बाकी जो 21 ये सोलर पैनल्स हैं ये बहुत ही रिसर्च के बाद मैंने आप तक लाया था ये वीडियो, और इसको आप देख सकते हैं और आपको इनका फ़ायदा मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको नेट मीटरिंग वर्सेस ग्रॉस मीटरिंग का पता करना कि नेट मीटर और ग्रॉस मीटर में क्या फ़र्क है, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको फ़र्क पता करना है कि हाँ भाई हमारा जो नेट मीटरिंग का आपका जनरेशन
और जो आपका जो स्मार्ट मीटर है बायडायरेक्शनल मीटर है वो मैच क्यों नहीं करता है, तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं। कई मेरे व्यूअर्स हैं मेरे को कॉन्टेक्ट करते हैं कि हमारा मैच नहीं कर रहा। फिर जब मैं उनको ये वीडियो का लिंक भेजता हूँ तो वो देखते हैं, फिर उनको समझ में आ जाता है कि हाँ भी क्या रीज़न है हमारा मिसमैच का। आप भी अगर जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।